हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसे ऑनलाइन क्लास। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज का जो टॉपिक है हमारा पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, कलर पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास पिक्चर है, इसमें ये वन पार्ट कलर है, तो इसकी फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। वन पार्ट हमारा कलर है तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए गिवन पिक्चर में टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होएगा, 4। टोटल पार्ट्स कितने, 4। अब 4 में से कितने पार्ट्स कलर है, 1। जितने पार्ट्स कलर होते हैं वो हमारा न्यूमरेटर होते हैं और टोटल पार्ट्स हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में 1/4। और एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल फर्स्ट का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई पिक्चर है, इसमें हमारे पास ये पार्ट्स कलर है, गिवन पिक्चर में टोटल पार्ट्स कितने, 2। इट मीन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, 2, और कितने कलर पार्ट्स है, 1। इट मीन्स न्यूमरेटर 1, तो 1/2। तो गिवन फ्रैक्शन पिक्चर को फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं 3। पार्ट्स कलर कर देते हैं, ये कर देते हैं सेकंड। अब देखिए गिवन पिक्चर में टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल पार्ट्स कितने, 9। इट मींस डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास, 9। और कलर कितने पार्ट्स है, वो न्यूमरेटर पार्ट होगा, 1 2 3 3/9। तो गिवन जो पिक्चर है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म का फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/9। अब देखिए और भी एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे इस फॉर्म में भी हो सकती है पिक्चर हमारे पास, इसमें 1 पार्ट अलग कर देते, 2 पिक्चर देते हैं, तो उसकी फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो देखिए टोटल पार्ट्स हमारी दोनों पिक्चरों में 2 है, तो अपॉन में 2। कलर कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट है पिक्चर के अकॉर्डिंग, ओके 1/2। लेकिन पिक्चर कितनी है यहाँ पर, 2, तो यह आ जाएगा 2, तो इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, देखिए गिवन पिक्चर में हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने पिक्चर के, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो डिनोमिनेटर का हमारे पास 3 आ गया। 3 पार्ट्स में से कलर पार्ट्स कितने, 2, तो डिनोमिनेटर हो गया हमारा 2, तो 2/3। टोटल पिक्चर कितनी है, 2, तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, तो आप कर सकते हो, तो उसको आपको होमवर्क में लेना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट 7 × 3/5, सेकेंड 4 1/3 मिक्स फ्रैक्शन,
है 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये भी मल्टीप्लाई नहीं है, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन। तो 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 7 के, तो 1 लगा सकते हो आप। ऊपर की ऊपर डिजिट मल्टीप्लाई करो, अपॉन में अपॉन का मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 3 जा 21, 5 1 जा 5, 21 में 5 का डिवाइड करते हैं आप। 21 में 5 का डिवाइड, 5 4 जा 20, 1 3 0, रिमाइंडर क्या बचा 1, 1 को हम यहाँ राइट करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो ये आएगा नेक्स्ट फ्रैक्शन में 4 1 अपॉन 5। हम इसको राइट कर सकते हैं 4 1 अपॉन 5। हाँ, रिड्यूस हो गया हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में। ऐसे सेकंड को रिड्यूस करते हैं लोएस्ट फॉर्म में, 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3। 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को 1 से करेंगे तो 3। 4 में 3 का डिवाइड करके देखते हैं हम, 4 में 3 का कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, 3 बन गया 3। माइनस करेंगे 4 में से 3 माइनस 1, रिमाइंडर को यहाँ राइट करेंगे, इससे डिवाइड कर देगा 3 से, 1 1 अपॉन 3 आंसर। थर्ड पार्ट 2 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7, 2 के अकाउंट में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हो आप 1। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 12 अपॉन 7। 12 में 7 का डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पर क्या है, 7 1 टाइम 7 बन जा 7, 12 में से 7 माइनस कर दें 5, रिमाइंडर को राइट करेंगे 5, इससे डिवाइड कर रहे हो आप 7, तो ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस होगी 5 अपॉन 7, 1 5 अपॉन 7। तो ये गिवन जो हमारे पास मल्टीपल थे उनको हमने किस में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस फॉर्म में, दैट इज आंसर। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 गई, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। सर फर्स्ट 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, जो ये हमारे पास डायग्राम है उसमें हमें 1/2 पार्ट सर्कल के कलर करने, मतलब शेडेड करने। सेकेंड 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी का जो डायग्राम है उसमें हमने कितने ट्राइंगल शेडेड करने, 2/3 पार्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, अब देखिए ए जो फिगर है हमारे पास इसमें टोटल सर्कल्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल है 12 सर्कल। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12, टोटल से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 6 12, 6 1 6 6 अपॉन 1 6, तो टोटल हमें कितने सेट करने हैं सर्कल, 6 सर्कल। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, 6 1 2 3 4 5 9 6, टोटल 6 हमें सेट करना, ऐसे फाइंड करते हैं टोटल सम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो टोटल 6 सेट करते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड देखते हैं यहां पर 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स, जो बी में हमारे पास पिक्चर है उसका कितना पार्ट हमें सेलेक्ट करना है, 2/3 टोटल फाइंड कर लेते हैं कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, टोटल 9 है, तो 9 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब कैंसिल हो रहा है, 9 और 3 3 3 3 3 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसमें भी हमें कितने ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं 6, तो कर देते हैं इसमें 6 ट्राइंगल सेलेक्ट। One, two, three, four, five,
एंड सिक्स, टोटल हमने कितने सेट कर दिए, सिक्स, दैट इज आंसर।